नाजरीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबाजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौजूदात पर। राजौरी का नौजवान अमान जरी भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल। नौजवान सनअतकारों को तरबियत देने का प्रोग्राम श्रीनगर में मुनक्किद। पुंछ में फौज की जानिब से तिबी कैंप का इनकार। तुलबा को आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड फराहम करने के लिए वॉक इन ड्राइव का एहतमाम। महकमा बागवानी ने किसानों के लिए अनंतनाग में किया तरबियती प्रोग्राम का इनकार। जम्मू कश्मीर का नौजवान दीगर शोबेजात के साथ साथ खेल कूद में भी करहाए नुमाया अंजाम दे रहा है। अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाकर जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला राजौरी से ताल्लुक रखने वाले अमान जरी को भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। अमान जरी एक उभरते हुए क्रिकेटर है। देखिए यह खास रिपोर्ट। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल हुए अमान जरी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी के उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जो अब एक मुनफरिद नाम बन चुके हैं। इस नौजवान ने अपनी सलाहियतों से न सिर्फ जिले का सर फख्र से बुलंद किया बल्कि वालिदैन और जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन किया। क्रिकेट का पैशन मेरे लिए स्टार्टिंग से ही था। जब से मैंने खेलना शुरू किया था तो पहले मैंने अपने ही राजौरी में खेलना स्टार्ट किया, अपनी लोकल टीम्स में खेलना स्टार्ट किया। तो जब मैंने देखा कि मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो रही है, मेरी कज़न्स वगैरह ने मेरी पापा से कहा कि आप इसको अगर एक अच्छी एकेडमी में डालोगे तो एक अच्छा प्लेयर बन सकता है, तो फिर मेरे पापा ने ही मुझे क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान, जो इरफान पठान की एकेडमी है लुधियाना में, वहाँ पे एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा। और उस टाइम वहाँ पे ब्रूस एडम्स जो ऑस्ट्रेलियन लेवल के कोच हैं उनका एक वो लगा हुआ था, कैंप लगा हुआ था, तो मैंने वहीं पे ही अपनी सभी प्रैक्टिस की। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया वहीं से ही, और उसके बाद मैंने जो नेशनल कप खेला चोगवाला क्रिकेट कप, जो नेशनल कप होता है, वहाँ खेला गोवा में जाके, तो यहीं से ही अपना सफर रहा। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला राजौरी से ताल्लुक रखने वाले अमान जरी को दुबई में खेले जाने वाले फॉर नेशंस कप के लिए भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम आइंदा माह दुबई में होने वाले चार मुल्कों की क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। मेरी अभी करंट इंडिया अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हुई है, जो आने वाला दुबई फोर नेशंस कप है, जिसमें फोर टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये इसके प्रॉबली जी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ओमान, तो चार टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है इस कप में, और ये दुबई के अंदर होने जा रहा है। इसके प्रॉबली मैच शारजा, अबू धाबी में होंगे, इन स्टेडियम्स में होंगे। तो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि मेरी इंडियन टीम में नाम आया है, क्योंकि राजौरी से आप देखें, जैसे एक राजौरी एक बैकवर्ड इलाका माना जाता है, इसमें पीर पंजाल इलाका एक माना जाता है, तो यहाँ से निकल कर इंडियन टीम में आना ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अमान जरी एक उभरते हुए क्रिकेटर हैं। मकामी लोग अमान जरी की कामयाबी और भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल किए जाने पर फख्र महसूस करते हैं। उन्होंने अमान के वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश की और कहा कि हमारे लिए ये फख्र की बात है। इमरान जरी जो इस हमारे राजौरी की एक का बहुत बड़ा नाम सामने आया है अंडर 19 लेवल पे, जहाँ पे दुबई फोर नेशन कप जो होने जा रहा है, जहाँ इंडिया, पाकिस्तान, उसके अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश, ये चार जो नेशन है वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें एक राजौरी का नौजवान हमारे बीच यहाँ से निकल के जाके दुबई में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, और कहीं ना कहीं इससे आने वाली जो यूथ हमारी है उसको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। अमान जरी ने दिल्ली पब्लिक स्कूल राजौरी से इब्तदाई तालीम हासिल की, जबकि यही से उसकी सिलेक्शन भी हुई है। अमान जरी ने पढ़ने लिखने में भी अपना वालिदैन और स्कूल का नाम रोशन किया है। उसने अपने इलाके का ही नहीं बल्कि मुल्क का नाम रोशन किया है।
जैसे कि ये राजौरी एक बॉर्डर इलाका है, तो एक पहाड़ी इलाका है, पीर पंजाल इलाका है, तो यहाँ से निकलकर इंडियन टीम में आना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे युवक हैं जितने, वो कुछ गलत लाइन में हैं, जैसे ड्रग्स वगैरह की चीज़ों में, और आए दिन आप देख रहे हैं हमारे भाइयों की, हमारे दोस्तों की मौतें हो रही हैं ड्रग्स वगैरह में। तो मेरा सबसे यही अपील है कि आप इन सब गलत चीज़ों से, गलत अशिया से दूर रहिए, आप स्पोर्ट्स में आएँ, आप क्रिकेट में आएँ, आप जिस भी स्पोर्ट्स में अच्छे आप स्पोर्ट्स में जाएँ, आप अगर क्रिकेट में अच्छे तो क्रिकेट में आएँ, अगर स्टडीज में अच्छे हैं तो आप अपना स्टडीज में फोकस करें, सबकी दुआएं साथ ले चलें। भारतीय क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी ने हमारे इलाके के नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दिया। अमान जरी 11वीं जमात के तालब इल्म हैं। अमान ने इरफान पठान क्रिकेट एकेडमी पंजाब में तरबियत हासिल की है। अमान जरी को टीम में ऑलराउंडर के तौर पर मुंतखब किया गया है, जो अपने बल्ले और गेंद दोनों से जौहर दिखाएंगे। डिस्ट्रिक्ट बतौर एक्सपोर्ट हब फरोग तरबियती प्रोग्राम के बैनर तले जम्मू कश्मीर के गरमाई सदर मुकाम श्रीनगर में नौजवान ताजरों को बैनुल अक्वामी मार्केट में अपनी मसनूआत की बरामद के बारे में तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का अहतमाम सनअत व हरफत के मरकजी वजरात और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड ने कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इश्तराक से किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। सनअत व हरफत की मरकजी वजारत और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड ने कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इश्तराक से श्रीनगर में नौजवान सन्नतकारों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया। डिस्ट्रिक्ट बतौर एक्सपोर्ट हब फरोग तरबियती प्रोग्राम के बैनर तले जम्मू कश्मीर के गरमाई सदर मकाम श्रीनगर में नौजवान ताजरों को बैनुल अक्वामी मार्केट में अपनी मसनूआत की बरामद के बारे में इस तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। We work for sustainable fashion in Kashmir and we wanted to take our product to the, globally and we want to have avenues wherein you know we can find what are the schemes available by the government. Hum logo ko kaun kaun si scheme available hogi and this program was very helpful for that because we got an award exports, we got an award what are the schemes and how we can avail help of the government. तरबियती सेशन के दौरान माहिरीन ने कारोबारी अफराद को तजावीज पेश की। नौजवान सन्नतकारों को ये जानकारी दी गई कि अपने कारोबार को वो कैसे फरोग दे सकते हैं और उन्हें किस तरह के इकदामात करने चाहिए ताकि वो दुनिया के चैलेंजेस से निमट सकें। एक्चुअली मैंने इससे पहले भी सुना था DGFT के, मेरा IEC कोड भी है, लेकिन ये है कि आज का जो प्रोग्राम था मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल था क्योंकि चेंजेस पता चली कि कितना अब जैसे 3 मिनट्स में हमें IEC कोड मिल सकता है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है। आज ज़्यादा अवेयरनेस जैसे गवर्नमेंट की तरफ से PM साहब ने इनको बोला है कि मतलब एक्सपोर्ट को आम करो ताकि यहाँ का जो लोकल है वो भी एक्सपोर्ट करने के काबिल हो। DGFT में बिजनेस एक्सलेंस एक्सपोर्ट सिस्टम ने कहा ये एक्सपोर्ट के तरीक़ेकार के बारे में बेदारी लाने के लिए एक सेमिनार था। यहाँ हमने शुरका को अपने डिपार्टमेंट DGFT की तरफ से पेश करदा मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में बताया। आज के टाइम में इफ़ यू लुक एट यंग जनरेशन दे आर ऑल यू नो कंप्यूटर से अभी एंड फोन्स पे ऑलरेडी वो अवेयर हैं कि कैसे क्या चीज़ डाउनलोड करनी है, कैसे क्या करना है। सो जितने भी हमारे ये ऑनलाइन प्रोसीजर हैं, ये दिस आर वेरी इजी टू ऑपरेट फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स और यंगर जनरेशन। सो उन लोगों को घर बैठे ही अगर IEC मिल जाएगा, घर बैठे ही वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस फाइल कर सकेंगे। सो इट विल गो अ लॉन्ग वे इन यू नो मेकिंग देम यू नो गो इन टू एक्सपोर्ट। तरबियती प्रोग्राम के दौरान शुरका को जेम पोर्टल के जरिए कश्मीर में तैयार करदा अशिया की मार्केटिंग अमल में लाने की तरबियत दी गई। गरीब अवाम की दहलीज पर तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के मकसद के तहत सुबह जम्मू के सरहदी व पहाड़ी जिला पुंछ में फौज ने एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में जहां आम लोगों की तिबी जांच की गई, वहीं उन्हें COVID-19 वैक्सीन भी दी गई। आम लोगों ने कैंप मुनक्किद करने पर फौज के इकदाम की सराहना की।
हिंदुस्तानी फौज ने माशी तौर कमजोर लोगों तक पहुंचने की कोशिश के तहत जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और सरहदी जिला पुंछ में एक तिब्बी और कोविड 19 वैक्सीनेशन कैंप का इनाकाद किया। मुफ्त तिब्बी मुआयने की खातिर कैंप में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टरों ने लोगों की तिब्बी जांच की, जबकि मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गयी। दूर उफ्तादा सरहदी पट्टी के लोगों ने तिब्बी और कोविड 19 वैक्सीनेशन कैंप के लिए हिंदुस्तानी फौज का शुक्रिया अदा किया। ये आर्मी वालों की तरफ से यहाँ कैंप लगाया था, तो हमें भी बुलाया यहाँ। हमने अपने स्टाफ नर्सेज को भी लाया, इम्यूनाइजेशन टीम है हमारे साथ, तो यहाँ सबको मेडिसिन मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों को, बूढ़ों को, लेडीज का चेकअप हो रहा है। फौज वक्तन फवक्तन लोगों की सहूलत के लिए इस तरह के प्रोग्रामों का इनाकाद करती रहती है। मकामी लोगों के मुताबिक वो इस कैंप के इनाकाद के लिए हिंदुस्तानी फौज के वाकई शुक्रगुजार हैं। ये एक अच्छा इकदाम है क्योंकि चेकअप और अद्वियात मुफ्त फराहम की गयी। हम जो है मेंडर जनरल का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने जो है ये कैंप लगाया और लोगों को मुफ्त अद्वियात फराहम की, और ऐसे जो है कैंप्स मजीद लगने चाहिए ताकि लोगों को जो है सहूलियात मुयसर हों, और लोग जो है ताकि लोगों को कोई मुश्किलात वगैरह या कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेडिकल कैंप में लोगों की तिब्बी जाँच करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि इस तरह के कैंप गरीब लोगों के लिए अच्छे इकदाम हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए ऐसे मजीद कैंपों का इनकाद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैंप वक्त की जरूरत है क्योंकि सरहदी इलाके में रहने वाले गरीब लोग तिब्बी सहूलियात के मुतहमिल नहीं हो सकते। जनाब, इतना अच्छा प्रोग्राम आर्मी जैसा करती है ऐसा कोई नहीं करता। ये जो हमारा वैक्सीन का है, कोरोना का है, या दूसरा है, या कोई ज़ख्मी हो जाता है, या ये बच्चों की दवाई है, ये बूढ़े नौजवान हमारी बहनें, ये सब भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अच्छी दवाई वगैरह देते हैं और लोगों की अच्छी सेवा करते हैं। मुनाकिदा तिब्बी कैंप के दौरान तिब्बी मौलजीन ने लोगों में आलमगीर वबा कोरोना वायरस या कोविड 19 से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में जानकारी दी, जबकि यहां लोगों को कोविड 19 वैक्सीन भी लगाई गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के तहत तुलबा के लिए आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के इंदराज के लिए श्रीनगर में वॉक इन ड्राइव का इनेकाद किया गया। खसूसी मुहिम के दौरान 15 से 25 साल के उम्र के दर्जनों तुलबा का इंदराज किया गया। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में गरीब आवाम को मुफ्त इलाज के लिए रुकूमात फराहम करने की गर्ज से मरकजी हुकूमत ने एक स्कीम मुतारिफ करवाई, जिसका मकसद गरीब आवाम के गोल्डन कार्ड बनाकर उनका मुफ्त इलाज फराहम करना था। इस स्कीम के तहत श्रीनगर में तलबा को कार्ड फराहम करने के लिए वॉक इन ड्राइव का एहतमाम किया गया। हमारा एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट है दैट वी विल इंश्योर 100% एनरोलमेंट बाय मार्च एंड, जो मार्च 2022 है इसके एंड तक। तो हमने ये काफ़ी मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी रखी है। हमने जम्मू और श्रीनगर कैपिटल डिस्ट्रिक्ट्स में मेगा कैंप्स लगाए हैं। अब ये जो 15 टू 17 इयर्स के वैक्सीनेशन कैंप्स हैं, इसके साथ हमने आयुष्मान एनरोलमेंट भी डवटेल कर दी है, और ऐसे रोज़मर्रा में जो हमारे सीएससी ऑपरेटर्स एनरोलमेंट करते हैं उसे भी हम पुश करवा रहे हैं। हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि जल्द से जल्द सारी पॉपुलेशन एनरोल हो और इस स्कीम का फ़ायदा उठाए। आयुष्मान भारत स्कीम को गरीब आवाम के इलाज के लिए शुरू किया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के तहत तलबा के लिए आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड के इंदराज के लिए वॉक इन ड्राइव से फायदा उठाने वाले तलबा ने हुकूमती इकदाम की सराहना की। जी, हम यहाँ पे गोल्डन कार्ड लेने आए थे। ये हमारे स्कूल की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आज की पैंडमिक सिचुएशन में इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कुछ फैमिलीज एफोर्ड नहीं कर पाते हैं हॉस्पिटल्स में बहुत सारी चीज़ें, इससे उनको बहुत हेल्प होता है।
इसलिए हम गवर्नमेंट ने ये और यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और हमारे स्कूल की तरफ से हम स्टूडेंट्स को भी ऑर्गेनाइज किया गया। ये तरगीब 15 से 25 साल की उम्र के तलबा को सेहत की देखभाल के फवायद फराहम करने के लिए दी जाती है। तलबा की बड़ी तादाद ने इस मुहिम में हिस्सा लिया और इस इकदाम को सराहा। Well, it's a proud moment I can say कि हमारे स्कूल में ऐसा एक इन्होंने एक ऐसा काउंटर लगा के रखा हुआ है because it's gonna benefit overall पूरे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को ये बेनिफिट करने वाला है। Everyone here is invited from different schools, from different colleges. Everyone is here invited. So I would like to suggest people to come here और इस जो ये opportunity मिल रही है इसका advantage ले, इसको ऐसे ज़ाया होने ना दे। हर कुंबे को सालाना सरकारी अस्पतालों में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की जाएंगी। इसके लिए गोल्डन कार्ड का होना लाजमी है। आयुष्मान भारत PMGAY सेहत स्कीम न सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी सतह की पहली ऐसी स्कीम है जिसके तहत जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। महकमा बागबानी ने जनूबी जिला अनंतनाग में किसानों के लिए एक बेदारी और तरबियती कैंप का इनेकाद किया। ये तरबियती प्रोग्राम आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के बतौर मुनक्किद किया गया। किसानों को जदीद तकाजों के मुताबिक काश्तकारी करने के अलावा मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में भी जानकारी दी गई। जनूबी जिला अनंतनाग में महकमा बागबानी की जानिब से किसानों के लिए एक बेदारी और तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बागबानी महकमे की तरफ से किसानों के लिए बेदारी और तरबियती कैंप मुनक्किद किए जाते हैं। किसानों ने महकमे के इकदाम की सराहना की। यहाँ उन्होंने हमें बहुत बड़ी अवेयरनेस दी कि आप किस तरह इस पौधे को इससे कैसे आप फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने बहुत से स्कीमों के बारे में हमें बताया कि गवर्नमेंट भी इस वक्त बहुत से स्कीमें आपके हमारे पास रखते हैं जिसमें हमें कुछ पैसे भी मिलते हैं, सब्सिडी मिलती है या नई नई चीज़ें उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस यहाँ किए हैं कि किस तरह आप इन पौधों को किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा फसल हासिल कर सकते हैं। महकमा बागबानी कश्मीर के डायरेक्टर जनरल एजाज अहमद भट्ट इस बेदारी और तरबियती कैंप के मेहमान खसूसी थे जिसमें अनंतनाग जिले के बाग मालिकान जो सेब समेत मुख्तलिफ फलों का कारोबार करते हैं ने भी शिरकत की। बागबानी के डायरेक्टर जनरल ने महकमे की मुख्तलिफ मरकजी और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के तहत दस्तियाब मुराद के बारे में तफसीलात फराहम की। जो यहाँ आज हाई डेंसिटी स्कीम के बारे में बताया जा रहा है ये बहुत फायदेमंद वाली स्कीम है। अगर ग्रोवर चाहता है कि कम जमीन में ज्यादा फायदा हो, कम वक्त में ज्यादा पैसा बने और जो ये उसके घर में बेरोजगार नौजवान पड़े हैं, पढ़े लिखे घर में बैठे हैं, अगर वो चाहते हैं कि आगे के लिए बेरोजगारी खत्म हो तो वो इस हाई डेंसिटी स्कीम को अपनाएं। तरबियती कैंप में माहिरीन ने शुरका पर जोर दिया कि वो आगे आएं और खुद को महकमा बागबानी के साथ मुंसलिक करें और रवायती बागात नर्सरियों तनसीबात के कयाम में फवायद हासिल करें। पॉली हाउसेस, कम्युनिटी बोरवेल, पैक हाउसेस की तामीर और वर्मी कंपोस्ट घड़े और जदीद बागबानी मशीनरी से किसान और काश्तकार अपनी समाजी और इक्तिसादी हालात बेहतर बना सकते हैं। कैंप जो हम कर रहे हैं ये कैंप सिलसिला 2 महीने से चल रहा है और आगे भी चार, क्योंकि आज लीन पीरियड है, आज जमींदार घरों में अवेलेबल होते हैं और सरकार की भी हिदायत है कि लोगों को स्कीम्स के बारे में जानकारी दी जाए। हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्कीम जो है मॉडिफाइड हाइड्रेंसी स्कीम जिसमें हम एप्पल और दूसरी वराइटीज़ पर भी फोकस कर रहे हैं। हम लोगों को जागृति देते हैं जो हमारी हाइड्रेंसी और मैकेनाइजेशन और जो दूसरी स्कीमें हैं जो खुद रोज़गार की स्कीमें हैं उनका हमारे लोग हमारे जवान फ़ायदा उठाएँ। किसानों और बागबानों ने महकमे के इस कदम की सताइश की क्योंकि उन्हें इस किस्म की बेदारी और तरबियती कैंपों से काफी फायदा हुआ है। नाज़रीन इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर होता है।
आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा अपनी राय। आप अपनी राय हमें बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।